भाई अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल। दोस्तों मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम वक्कार है। यार महाभारत का 105 एपिसोड अभी देखेंगे। लास्ट अपने देखा था कि अर्जुन जी और द्रौपदी जी को मतलब आशीर्वाद मिले और वो अभी जा रहे हैं। द्रौपदी ने बोला कि आशीर्वाद लेकर कुंती जी का वापस आना। ये ब्राह्मण जिसने रथ में न बैठने का व्रत किया है, क्या आपको पूर्ण विश्वास है ये एक दिन सिंहासन पर बैठे? आपकी पुत्री अवश्य सिंहासन पर बैठेगी महाराज। आपको अपनी पुत्री के भविष्य के लिए चिंता है, किंतु भविष्य तो प्रतिदिन और प्रति क्षण निर्मित होता है। भविष्य और कुछ नहीं महाराज, मनुष्य के आज के निर्णयों और कर्मों का परिणाम है। आपको यदि आज के लिए निर्णयों पर संतोष है तो विश्वास रखिए, भविष्य में अवश्य सुख प्राप्त होगा। धनुर्विद्या की कठिन प्रतियोगिता में एक ब्राह्मण जीत गया। विदुर जी, तक्ष हमारे गुप्तचर का संदेश भी यही कहता है कि जब कोई राजकुमार नहीं जीत पाया तब राजकुमारी का विवाह एक ब्राह्मण युवान के संग हुआ। तब तो विदुर तुम्हें शीघ्र ही कांपल्य जाना होगा। उस ब्राह्मण युवान, उसके चार भाई तथा उनकी माता को हस्तिनापुर लाने के लिए, किंतु इस बात का ज्ञान किसी को नहीं होना चाहिए कि पांचों पांडव जीवित हैं। और इससे पहले कि शकुनी कोई प्रपंच रचे, तुम शीघ्र ही उन पांचों पांडवों और उनकी माता को हस्तिनापुर ले आओ। अवश्य तक्ष। द्रुपदतनया द्रौपदीनाम्नि सर्वालङ्कृतां कन्यां प्रतिगृह्णातु भवान्। महाराज बटुकेश्वर, क्या विवाह के समय वर और वधु दोनों का नाम जानना आवश्यक नहीं होता? ओ, इस ब्राह्मण युवान का तो मैंने नाम ही नहीं पूछा। क्या नाम है? वो वटेश्वर। वटेश्वर गोत्र क्या है? गोत्र मेरा गोत्र जानने की आपको क्या आवश्यकता है? विवाह कराना है तो गोत्र तो जानना ही पड़ेगा। ते यार ये
अरे 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 सोमेश्वर 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 उत्तम माल ढूंढा के ज्येष्ठ भ्राता ने आपका रहस्य प्रकट नहीं हुआ। रहस्य? कौन सा रहस्य? वो मैं क्या जानूं? पर अवश्य कोई रहस्य तो है। आप अपना गोत्र बताते नहीं, स्वयं अपना नाम स्मरण में नहीं रहता। जगत के सर्वश्रेष्ठ धनुर्धारी हैं, किंतु हाथ में धनुष नहीं। धनुर्विद्या सीखी इसलिए उत्तम, श्रेष्ठ बनने की तो महत्वाकांक्षा नहीं है मन। ब्राह्मण इसीलिए धनुष धारण नहीं है, इसमें कैसा रहे? भ्राता सोमेश्वर, आप तो रुक गए। ये महाराज कह रहे हैं कि राजकुमारी का विवाह नहीं हुआ, इसलिए उन्हें तुम्हारे साथ अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। अरे अरे भाई सोमेश्वर, मुझे मुंह देखना है बटेश्वर का, मुंह दिखाओ उसका मुझे। चलो 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 चलो। द्रुपद तनया द्रौपदी नामनी सर्वालंकृता बाबा जी भी भगवान, गोत्र बताओ, विवाह करवाना है? बटुकेश्वर महाराज, आप मार्ग में ही विवाह करवा देंगे? विवाह तो समाज में ही होगा, उसके सामने ही होगा। मैं तो विवाह के मंत्रों का स्मरण कर रहा हूँ। परंतु क्या ये विवाह के मंत्र? ब्राह्मण होकर इतना नहीं जानते महामंत्र क्या होते? भ्राता सोमेश्वर, आपके विवाह में तो कुछ और ही मंत्र बोले गए थे। हाँ, वो मंत्र इस प्रकार है। असुर वाले क्या मंत्र है? किसी पिशाचिनी से विवाह हुआ है? बहुत बड़ी भूल कर दी भटकेश्वर महाराज। अब तो भ्राता सोमेश्वर को क्रोध आ गया है। पत्नी को पिशाचिनी कहते हो? राक्षसी से विवाह करने का साहस किसी में नहीं होता। राजकुमारी राजकुमारी राजकुमारी, रक्षा करो मेरी। आप यथार्थ कह रहे हैं महाराज, किंतु यदि आप राक्षसी के भाई हिडिंब का वध कर दें, तो आपको हिडिंबा से विवाह करना पड़ता है। आप कैसे जानती हैं राजकुमारी? राजा को उसके गुप्तचर सारे समाचार तो दे ही देते हैं। पर ब्राह्मण देवता राक्षसों के समक्ष तो केवल राक्षस ही जीत सकते हैं ना? भगवान परशुराम या गुरु द्रोण को छोड़कर कोई भी सामान्य ब्राह्मण नहीं जीत सकता। अर्थात मुझे एक एक राक्षस ने जीता है। अवश्य मुझे किसी राक्षस ने जीता है। मैं क्या राक्षस जैसा भयानक दिखता हूँ? क्या राक्षस भयानक होते हैं? नहीं भैया, नहीं देखता था, मेरा कहने का ये तात्पर्य नहीं था। मैं तो ये कह रहा था कि मैं ब्राह्मण के भेष में हूँ,
अब ना बंद कर दीजिए। दादा सोमेश्वर, भाभी श्री भी ऐसे रोती थी क्या? हाँ तभी कभी। जाओ राजकुमारी को शांत कराओ। कैसे भ्राताश्री? क्षमा मांगो। किस बात की क्षमा? वैवाहिक जीवन में यदि सुख प्राप्त करना है तो क्षमा मांगते रहो। मैं अपने अनुभव से कह रहा हूं। जाओ जाओ। राजकुमारी रोना बंद कीजिए, मुझे क्षमा कर दीजिए, हमने आपसे असत्य कहा। ब्राह्मण नहीं, क्षत्रिय है। मेरा नाम अर्जुन है, मेरे भ्राता भीम। मैंने राज त्याग किए इसलिए ब्राह्मणों के भेष में। चलो जी, आखिरकार द्रौपदी जी कामयाब हो गई राज खुलवाने में। भाई इतने सारे भाई नखरे किए, नहीं नहीं मुझे पता हो मैं राक्षस से मेरी शादी हो गई है। लेकिन भाई अर्जुन भी क्या करे, भीम जी ने ऐसा बोला कि जाओ अगर विवाह में सुख चाहिए तो क्षमा मांगो और सारी बात बोल दो। तो भाई मज़ा आ गया ये एपिसोड देखकर। और ये अकेले अकेले चाह रहे हैं, देखते हैं आगे क्या होता है।